हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप राजा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट राजा में। आज हम बनाएंगे खाली डिब्बे से आपके स्केच या फिर फोटो के लिए फ्रेम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड को अपने फ्रेम के हिसाब से कट कर लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा चारों तरफ, ताकि उसके चारों तरफ हम बॉर्डर भी बना सकें। तो मैंने इसको कट कर लिया है, उसके ऊपर मैंने अपना स्केच बनाया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसके वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं। तो इसको हम सेलो टेप से चारों किनारों पे सेलो टेप लगा लेंगे, ताकि ये अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं अभी। और उसके बाद हम इसके चारों किनारों पर ब्लैक सेलो टेप लगाएंगे। चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए ब्लैक सेलो टेप का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रहे, चारों तरफ से एक समान हमें लेंथ रखनी है किनारे से, ताकि ये सही से लगे, वरना आगे पीछे हुआ तो फिर वो सही नहीं दिखेगी दिखने में। तो इसको पीछे से चिपका देंगे जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकली है, और ऐसे ही हम चारों किनारों पे लगाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपको मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी हम इसको चिपका रहे हैं, तो हमने दो साइड इसके दो किनारे चिपका लिए हैं, तीसरा किनारा भी चिपका लेते हैं इसी तरह से। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें कार्डबोर्ड आपको घर में ऐसे ही मिल जाता है, टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी आपके आइटम आते हैं, इसके अलावा भी मिल जाता है कहीं पे। तो सेलो टेप का आपका खर्चा है, और इसके बाहर से जो हम कवर करेंगे अभी उसका खर्चा है, तो वो 15 रुपये के लगभग पड़ता है। लेकिन मैंने फिर भी मैक्सिमम 20 रुपीज मैंने बताया है, 20 रुपये में आपको किसी भी फ़ोटो, कितनी भी साइज़ की हो, चाहे छोटी बड़ी, हर एक साइज़ की फ़ोटो का आप फ्रेम कर सकते हैं केवल 20 रुपये में। अभी सेलो टेप का लगभग काम हमारा फिनिश हो गया है, अभी हम करेंगे इसके ऊपर पॉलीथीन लगाएंगे। तो ये मैंने 60 रुपीज़ का ख़रीदा था मार्केट में, और एक क्वालिटी और आती है वाइट कलर की, वो ज़्यादा बेटर है, मुझे मिला नहीं था। तो अभी आप इसको कट कर लेंगे, जैसे मैंने फ़ोटो में लिखा है फ्रेम का, आप साइज़ के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लो, पीछे की तरफ मुड़ जाएगा वो, और इसको हम पीछे की तरफ सेलो टेप से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, इसको टाइट करके चिपकाना है, वरना फ़ोटो में आगे की तरफ सलवटें आ जाएंगे। अभी हम इसको चिपकाएंगे चारों तरफ से, ताकि इसमें कहीं पे भी सलवटें ना रहें, और उसके बाद आप देखना बहुत ऐसे रियल जैसे फ्रेम होती है वैसी लगेगी। ये भी मैंने 4-5 फ्रेम बनाई हैं, तो अलग अलग साइज़ की बना सकते हो, इसमें किसी भी साइज़ की बनाओ, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कार्डबोर्ड की कटिंग है बस। तो हम अभी चिपका लेते हैं इसको। अभी हम इसके जो किनारे हैं उनको थोड़ा कट कर लेंगे, ताकि ये जब हम दीवार पे लगाएंगे तो ज़्यादा उठी हुई ना रहे। तो इसके जो किनारे हैं उनको ऐसे कट करके और फिर उसको चिपकाएंगे, ताकि डबल या ट्रिपल नहीं होगा तो ये ज़्यादा उठी हुई फ़ोटो नहीं रहेगी। तो मैंने कट कर लिया है, और उसको किनारे भी चिपका लेते हैं। एक लास्ट टेप बचा है, अभी हम डबल साइड टेप लेंगे, और उसके चारों किनारों पर या फिर आपको लगता है कि बीच में भी लगाना चाहते हैं तो लगा देंगे। तो मैंने चारों किनारों के ऊपर इसके ऊपर डबल साइड टेप लगा दिया है, और ये अभी रेडी है आपकी फ़ोटो फ्रेम। तो फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।